आशीर्वाद है आपका। तो क्या क्या है जी सर, क्या चल रहा है सर? अभी तो मूवमेंट पूरे ढंग से ले नहीं पाए कोविड के कारण, जो कोविड संक्रमण के कारण जो हम लोगों के काम पर इफेक्ट आया था, वो उसके कारण मूवमेंट खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो कोरोना तो कोरोना तो है नहीं, नींबू का रस डालिए नाक में और जो है नहीं, कोरोना के होने ना होने वाली बात नहीं सर, जो कोरोना की आड़ में जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया है, तो ये तो हमारे द्वारा निर्मित की गई परिस्थितियां हैं। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्योंकि आप ये खुद अपना के देख लीजिए कि यदि आप अपनी नाक में तीन तीन बूंद नींबू का रस डालेंगे तो आपसे कफ एंड कोल्ड आपसे गायब हो जाएगा, आपको कभी वायरल फीवर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। और इसको ऐसा नहीं कि आप वंस अपॉन द टाइम है, आप 15 दिन में रिपीट करते रहिए उसको, ठीक है ना। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो दूर हो जाएंगी। और अभी रिसर्च इस पे पूरी नहीं हुई है, अदरवाइज कुछ जर्मनी के साइंटिस्ट का तो कहना है कि नींबू का रस जो है वो बैसिलस बैक्टीरिया को भी मारता है। तो अभी हम अथॉरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एज ए एक्सपेरिमेंटल की इसको सत्यापित करने की जरूरत है। और यदि ये बात सही है तो आप बताइए कि आज जो है, चाहे जिसको टीबी हो या लेप्रोसी हो, वो कितनी दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है, उसको मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं और जो कि कितनी कॉस्टली होती है, और जो उसको लेता है उसके शरीर का क्या हाल होता है, भगवान ही मालिक है। तो हम जो है यदि वैक्सीन पे आधारित रहेंगे तो वैक्सीन के तो नए वेरियंट आ जाएंगे और वैक्सीन भी कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन जो आपका नींबू का रस है, ये कोरोना के और कोरोना के बाद के हजारों जितने भी वेरिएंट हैं, वो इसके सामने नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि ये ना केवल आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ रहा है बल्कि उसके आरएनए को तोड़ रहा है। तो कोई भी वायरस जो है वो आरएनए होता है, उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होता है, और वो जितने भी वायरस हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही शरीर में घुसते हैं, राइट। और वो बिना इनक्यूबेट किए वो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, और इनक्यूबेशन का पीरियड जो है ना 5-6 दिन मिनिमम होता है। तो यदि आप 6-7 दिन में नींबू का रस का रिपीट करते हैं तो ना आपको कोरोना वायरस होगा, ना आपको वायरल फीवर होगा, ना आपको सर्दी खांसी जुकाम होगा, आप एक अच्छी लाइफ और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और इसमें आपकी इम्यूनिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नींबू का रस आपकी इम्यूनिटी के साथ कोई मतलब वो नहीं कर रहा है, राइट। वो आपकी इम्यूनिटी को यूज कर ही नहीं रहा है, वो कोरोना वायरस को सीधे मार रहा है, इपिगुलाइटिस को जो है प्रवोक करके आपके लंग्स के अंदर जो कोरोना वायरस और उसके कारण पानी फिब्रोसिस वगैरह है उसको बाहर फेंक दे रहा है। और आप पानी में नींबू के 2 नींबू निचोड़ के और उसकी भाप लेंगे तो नींबू के ट्रेसेस आपके लंग्स में भी पहुंच जाएंगे। और यदि कोरोना वायरस यदि आपके रिसेप्टर पे भी बैठने में सफल हो गया तो उसको भी मार के बाहर निकाल देगा। फिर थोड़ा बहुत यदि कोई असर हुआ है तो जो ढेर सारे काढ़े बताए जा रहे हैं उनमें से कोई भी काढ़ा अच्छा लग रहा है वो काढ़ा पी लीजिए, तो आपका जो है इम्यूनिटी भी इम्प्रूव कर जाएगी, ऐसी कम तैसी कोरोना की और ऐसी कम तैसी उसके सभी वेरियंट की, डेल्टा वेरियंट और डेल्टा के बाद के हजारों जितने भी वेरियंट होंगे उन सबकी ऐसी की तैसी। नहीं सर, मैं कोरोना जो आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है कोरोना को लेकर के, बट जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अब सिस्टम तो जो है देखिए जो कोरोना के आड़ में जो सिस्टम को सत्यानाश किया है सर, आप ये बताइए कि वो सिस्टम क्यों सत्यानाश हुआ है, क्यों जो है पीआईबी के द्वारा ये गलत बिना सत्यापित करे जो है ना ये दिग्भ्रमित किया गया है कि नींबू का रस जो है ये तो कोरोना से ज्यादा घातक है, राइट। मेरी इस बारे में आपने आई डोंट नो सुना है कि नहीं सुना है, मेरी जयदीप जी से बात हुई जो कि इसके पीआईबी चीफ हैं, राइट। उनको जवाब देते नहीं बन रहा था, वो हमने अपलोड की है क्राइम फ्री भारत में हमारी उनकी जो बातचीत है, He was having no answer. He said के साहब एक व्यक्ति की डेथ हुई है, मैंने कहा वो भी गलत है, जो कर्नाटक का टीचर है वो कोरोना का मरीज ही नहीं था,
इवन लो ब्लड प्रेशर का मरीज था, वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है, इसके जो उनकी पत्नी के और उनके वो हैं। तो जहां पे आप एक को जो है ना साइड कर रहे हो जो कि गलत है, राइट, जो यदि आपने उसको न्यूज में पढ़ा होगा, लिखा गया कि एक पत्रकार ने कहा उसने नींबू लेकर पहुंचे और रास्ते में डेथ हो गई, इस तरीके की वो आदिपुर जी टाइप की जो है ना न्यूज थी, ठीक है ना। तो वैसे भी वो बिलीवेबल नहीं थी। आपने क्या कारण है कि एक को जो भी गलत रिपोर्ट को जो है ना देखे और आपने इतनी बड़ी जो है विरासत जो है जो कि पूरे विश्व का जो है ना मार्गदर्शित कर सकती थी, आज जो है ना कोरोना से अकेला भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो पीड़ित है, राइट। यदि यदि जो ये बात कही गई थी ये विश्व के पास भारत लेके जाता प्रमाणित करके, तो भारत विश्वगुरु नहीं बनता। और आप आज देखिए कि जो है ना उसमें 6 दिन में भारत कोरोना मुक्त हो गया होता, आपको जो है दाए बगाए जब दिल करता है लॉकडाउन करने की स्थिति निर्मित नहीं होती, कभी दाएं की दुकान खोलो, कहीं बाएं की दुकान खोलो, यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ, आपने जो है इंडस्ट्रीज को 1/3 जो है ना फोर्स से चलाइए, संभव है क्या? सही बात है आपकी। तो फिर हम तो देश के साथ मजाक कर रहे हैं। और आप ही देखिए ना कि जो मूल मुद्दे हैं उनकी तरफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधियों के को जो है ना राजनीति में ना आए इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट बेचारी क्या कहे करेगी, वो तो हम तो हमारी तो जो है ना सीमाएं हैं। एक काम तो जो है पार्लियामेंट के दायरे में आता है, उन्हें कानून बनाना चाहिए। जी। क्या कोई फ्री है कानून बनाने के लिए? आज के पार्लियामेंट में 2019 के पार्लियामेंट में 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और 29% तो इतने खतरनाक ऑफेंसेस हैं उनके खिलाफ, लाइक मर्डर, रेप, ऐसे खतरनाक ऑफेंसेस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं। और सभी पार्टियां क्रिमिनल्स को प्रेफरेंस दे रही हैं, तो वो कोई एक पार्टी नहीं है, सभी पार्टी दे रही हैं। इसका मतलब है कि 2024 के इलेक्शन में आप 50% की जो है ना लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाएंगे। तो फिर ये डेमोक्रेसी होगी या क्रिमिनलोक्रेसी? मतलब गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल एंड फॉर द क्रिमिनल्स, वही क्रिमिनल्स जो है ना कानून बनाएंगे, पुलिस भी उन्हीं क्रिमिनल्स की होगी, तो फिर डंडा उनका होगा और चूतड़ आप हम सबका होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो इस भयावह स्थिति से लोग बाग अपने उल्लू सीधा करके आपको धर्म जाति और फ्रीबी में बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के वो वोट कवारने वालों से तो कुछ भला होने वाला है नहीं। जी आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? नहीं बिल्कुल 100% सहमत। तो फिर कर क्या रहे हैं बताइए सर? वही समस्या है कि करने के लिए चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपके साथ बात हुई थी मेरी। अच्छा आप ये बताइए, फैमिलियर कंडीशन, कुछ फैमिलियर कंडीशन है कुछ। अच्छा ये बताइए कि आज जो हमारे बहुत सारे वीडियोज आजकल हमने क्राइम फ्री भारत जो 5 सर्टेनिटीज और 5 रेवेन्यू के साथ साथ जो है CFB एग्रो मॉडल लेके आए हैं, CFB आयुष मॉडल लेके आए हैं, CFB ई कॉमर्स मॉडल लेके आए हैं, CFB इन्फोटेनमेंट मॉडल लेके आए हैं, CFB जो है आपका हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल लेके आए हैं, और सबसे लास्ट में जो है CFB एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन मॉडल पे लेके आए। आपने कुछ सुना है उनके बारे में क्या? नहीं, एक आध दो तो बहुत पहले देखे थे मैंने, लेकिन अभी लेटेस्ट में मैं लंबे टाइम से अभी नहीं देख पाया हूँ सर। नहीं तो आप हालांकि थोड़े बहुत जो आपके पढ़े भी मैंने आर्टिकल्स को। मैं चाहूंगा कि आप और आपसे जुड़े हुए लोगों का जो ग्रुप है उसमें सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। दिक्कत वहाँ यही आ रही मेरे साथ कि एकदम से जो सेट मॉडल है उसको छोड़ने की स्थिति नहीं आ पाती। नहीं नहीं वो सब नहीं नहीं वो आप कहते रहिए, इसमें हमने सब लोगों को सबको भूमिका दी है। कोई जो है ना LIC के तर्ज में जो है ना डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाए, कोई जो है ना फार्मर है तो ज्वाइंट वेंचरिस्ट बन जाए, कोई नर्सरी वाला है तो वो ज्वाइंट वेंचरिस्ट बन जाए,
कोई जो है काउ ब्रीडिंग सेंटर वाला है तो वो जो है ना ज्वाइंट वेंचर्स बन जाए, एग्रो इंडस्ट्री वाला है तो वो ज्वाइंट वेंचर्स बन जाए, ट्रांसपोर्ट वाला है तो वो ज्वाइंट वेंचर्स बन जाए, राइट। और जी ये इन तक पहुंचने के लिए बीच में एक पूरी चैन रहे कि हर फील्ड में, जैसे LIC का डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ऐसे लोग बाग जो है ना रोल को अडॉप्ट करें। नहीं, वो और आपने बताया था, वो आपने मुझे पूरा बताया था, मैं भी नहीं इसके नहीं साथ नहीं मैंने मिल आपको गया। बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि ये कॉस्मोस डाउनलोड ही 7-8 दिन का पुराना है। ये नहीं, जो जब मैं घर आया था तब मैं आपको तब क्राइम आपने फ्री भारत मॉडल के पे बारे बात की थी। तब हमने आपको क्राइम फ्री भारत के बारे में बताया। हाँ, अभी बाकी जो मॉडल्स हैं ये जी कॉस्मोस के 7-8 दिन पुराने ही डाउनलोड हैं, राइट। ओके, तो वो तो हमारे ही दिमाग में नहीं थे, तो हम कैसे आपको बताते, ठीक है ना। वो तो अभी के कॉस्मिक डाउनलोड से आए हैं, तो वो हमारे दिमाग में भी नहीं थे, वो जी आज की परिस्थितियों के कारण जो है ना डाउनलोड हुए हैं। जी तो इसमें ये देखिए कि आप चारों तरफ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनकी सूची बनाएं, जिससे जी उन लोगों को देखें जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, वो डेवलपमेंट जो है ना ऑफिसर की भूमिका निभा के ज्वाइंट वेंचर्स बनाएं। और नॉलेज बांटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सब लोग फ्लैट सरफेस वाले हो गए हैं, तो फ्लैट सरफेस पे आप पानी डालेंगे तो बह जाएगा। या हम में से जो बहुत महापात्र भी हैं, बड़े पात्र भी हैं, लेकिन उनमें इतना ज्ञान भरा हुआ है कि उनका ज्ञान जो है ना बह रहा है, राइट। तो उन्हें किसी ज्ञान को समेटने का जो है ना उनमें क्षमता खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो लिहाजा CFB ने निर्णय लिया है कि ना तो वो ज्ञान बांटेंगे ना अवेयरनेस बांटेंगे, वो उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके डिलीवरेबल फॉर्मेट में लाएंगे, स्केयरसिटी से अबंडेंस का मॉडल लेके आएंगे, और हर किसी को धनी बना देंगे, हर किसी को अमृत बांट देंगे। और जो कार्सिजेनिक मटेरियल है, क्योंकि यदि हम नहीं जागे तो 5 साल में ये इंडिया में 2/3 लोग कैंसर से सफर करेंगे, राइट। और 1/3 लोग उनको अटेंड करने में लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि क्या हमारी लगभग 70% आबादी कैंसर रिलेटेड मैटर्स में सफर करेगी क्या? उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उनकी फिजिकल स्थिति क्या होगी, उनकी जो है ना आर्थिक स्थिति क्या होगी, उनकी कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी विल बी न्यूट्रलाइज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि वो जो है ना किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो वो अपने। सर 1 मिनट, सर एक एक सेकंड सर, क्या हो गया वो? हाँ जी सर, आप ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? जब नहीं, है बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कैंसर जो है कहीं से ना तो किसी वायरस से हो रहा है, ना ही किसी बैक्टीरिया से हो रहा है, ये आपके शरीर की सेल आपके विरुद्ध विद्रोह कर रही है, राइट। तो जो उसके पॉजिटिव फैक्टर को विलोपित अपन कर देंगे CFB के मॉडल के तहत, तो ये कैंसर भी विलोपित हो जाएगा, ऑटोनोमस डिसीजेस भी विलोपित हो जाएंगे। जब कारण ही नहीं रहेगा तो जो है ना ये क्यों रहेगा। तो गौरव चतुर्वेदी जी, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जरा अपने आसपास एक तो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करिए, जो अच्छे लोग हैं आपको लगता है कि वो किस फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, और वो किस फील्ड में जो है ना भूमिका अदा कर सकते हैं, वो ढूंढी जाए। अब हमको करके दिखाने वाली बात करना चाहिए। अब वो नहीं चलेगा कि सरदार भगत सिंह को चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर, अब तो खुद भी सरदार भगत सिंह बनना पड़ेगा और अपने बेटे को भी बनाना पड़ेगा। बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। तो मैं चाहूंगा कि जो CFB के वेरियस मॉडल्स हैं उनको तो आप अध्ययन करिए, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट मॉडल CFB एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन मॉडल। समझिए कि जो है ना कितना बड़ा इस देश का भला हो जाएगा यदि इस देश में बिना किसी खर्च के हम चुनाव करा पाएंगे। फिर जो है वो चुनाव 100% ट्रांसपेरेंट होंगे, ना उसमें रिलीजन चलेगा, ना जाति चलेगी, और ना ही क्रिमिनल्स चल पाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था को यदि हम कायम कर पाते हैं तो हम इस देश का बहुत भला कर पाएंगे। अच्छा चलो, ठीक ठीक ओके, हेलो, चलिए। तो गौरव जी इस पर विचार करिए और फिर अपन बात करें, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए राइट गौरव जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार जी, योर चैनल इज डूइंग ग्रेट जॉब। हाँ सब ठीक है।
अच्छा ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा आई डोंट नो आपको हमारे पिछले कुछ वो सुनने का मौका मिला कि नहीं मिला। रेगुलरिटी इज नॉट 100% बट एट रैंडम आई डू वॉच। अभी जो एक प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट हमने किया, लेटेस्ट मैंने नहीं देखा, लेटेस्ट दो नहीं देखे आपके। अच्छा तो जो एक प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट वाला वो किया है जिसमें हमने ये कहा है कि हम स्केयरसिटी से अबंडेंस कैसे लेके आएंगे, और उसमें उसको मैंने पार्शली देखा था जिसमें आपने एक तो एग्रीकल्चर को जोड़ने की बात करी है। करेक्ट, उसमें बेसिकली दो बड़ी फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया गया है कि नेचर में कॉस्ट एंड करेंसी दोनों जो है कहीं पे नहीं है। इट इज अवर सुपर इम्पोजिशन ऑफ ऑन द सिस्टम, राइट? हाँ, तो वो जो है बेसिकली अबंडेंस नेचर में इसलिए है क्योंकि उसमें ना कॉस्ट है और ना करेंसी है। ना सूर आपसे कभी कोई चीजें मांग रहा है, ना पैसा मांगता है, ना कुछ करता है, राइट? ना पेड़ पौधे, जो कुछ भी नेचर आपको दे रहा है उसमें कहीं पे भी करेंसी और कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, राइट? तो यदि हम स्केयरसिटी को अबंडेंस में ले जाना चाहते हैं तो वी हैव टू ब्रिंग आउट द फॉर्मूले दैट टू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट टू टेक अवे एंड यूज द करेंसी एंड कॉस्ट इन जब मैंने आपका ये देखा था, पार्शियली देखा था, इसलिए कहा आई कुड नॉट फॉलो इट कम्प्लीटली बट आई कुड गैदर द स्पिरिट ऑफ इट। तो इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको उसी वक्त मेरे मन में आया था यू शुड गेट अ पर्सन ऑन बोर्ड विद दिस स्कीम एंड उसको मैं बस रिकमेंड करता हूँ। आई विल टेल हिम ऑल्सो, यहाँ पर इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर थे, उसके बाद कर्नाटक में डीजी बने, फिर अभी हाल में रिटायर हुए हैं बॉम्बे से एस डीजी इनकम टैक्स। कौन है? पतंजलि झा। अच्छा, उनका आप हमको नंबर दे दीजिए। झा का हाँ मैं दूंगा। और पतंजलि झा का मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ। तो इन्होंने खलघाट के पास इनका एक फार्म है। ओके। और इनका बिहार में भी फार्म है, ठीक? ओह ग्रेट। और इनकी जो फार्म का बेसिक मेथोडोलॉजी है, they call it a no till farm, it's a that's great, basically you are forming a layer of soil on the top of basically hal nahi chalana, basically is their concept and they have multi layered forest farming. Oh great. Usme trees, fruits aur jo ki samajh lijiye suran jaise roots jo hote hain क्विंटलों सूरन होता है उन पेड़ों के नीचे, फॉर एग्जाम्पल। तो बेसिकली क्या है इसमें, वो राइजोम जैसी क्वालिटीज हैं, लेगुम जैसी, सो दैट फिक्स उसको फिक्स करने के लिए बेसिकली ये वेटेवर ग्रास को बहुत यूज करते हैं। ओ, और पानी तो इतना ज्यादा कैप्चर करता है ये एरिया कि आप सोच भी नहीं सकते। ओ ग्रेट। ये वो अल्टीमेट तो हमारी फिलोसफी से एकदम मैच कर रहा है। केवल जैसे ही मैंने कहा था मुझे इसका याद आया था, आई नाउ थॉट आई विल टॉक टू यू। I was doing some firefighting with my website. वो कुछ क्रैश कर गई थी, I was changing the platform from one service provider to another. तो आज भी मैं लड़ रहा था उससे, और पिछले दो महीने का मेरा मटेरियल गायब हो गया है, बट आई कुड रिट्रीव फॉर लास्ट फाइव ईयर्स। इसमें मैं दो तीन दिन गुजरे पिछले, तो पर मन में था आपसे बात करूंगा, एंड आई विल टॉक टू पतंजलि झा, गिव हिज नंबर टू यू एंड देन। खलघाट के पास है, और हाँ हाँ, और वो रिटायर हुआ, मैंने उनसे पूछा था, तो कहते हैं कि मैं या तो बॉम्बे में सेटल हूंगा या भोपाल में, तो ही इज लुकिंग फॉर सम प्लेस। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, या इंदौर में या भोपाल में, क्योंकि इनका खलघाट पे फार्म है। ओह ग्रेट 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 ग्रेट, ये है। और फिर मैं समझ गया था काफी, और वो जो आप पूरा लिंकेज करना चाहते हैं प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का, बीच के मिडलमैन गायब हो जाते हैं उसमें। अभी अभी हमने उसका एक उसमें एक और मॉडल ऐड किया है, क्योंकि मुझे क्या लगा कि हमें जब तक कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं देंगे तो कोई ना कोई इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो अभी हमने विलेज लेवल पे पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है कि आपको घर बनाना है तो हम आपको जो है ना आपकी च्वाइस से आपके घर भी बना देंगे। जब हम आपको 2 लाख के आसपास, दिस इज जस्ट अ की होल व्यू ऑफ द टोटल, मैक्रो इज एंटायरली डिफरेंट, दिस इज वन पार्ट ऑफ द होल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफ इट। सो दैट इट इज नॉट ओनली जो है ना अमृत तुल आपको अन्न दूध दूध और शहद और ये सब बांटेगा, बट इट विल फुलफिल योर ऑल नीड्स। नहीं, अब मैं छोटी सी आपको बात बोलूं, जैसे एक मेरे मन में ये भी आया था, फॉर एग्जाम्पल सोलर पावर की बात होती है, और घर घर में सोलर, ठीक, सोलर पावर एनर्जी जनरेशन का जहां तक कंसेप्ट है, तो इसमें कुछ
बिजनेस हाउसेस क्यों मोनोपलाइज करें, उसके अंदर मेरे को एक मत वो आया था कि जैसे हैंडपंप की रूरल लेवल पे ट्रेनिंग दी जाती है हैंडपंप मेंटेनेंस, तो सिमिलरली सेटिंग अप अ सोलर पैनल फॉर पावर जनरेशन इज नॉट स्पेस साइंस, मिनिमम स्किल डेवलपमेंट कैन प्रोड्यूस दैट. तो देयर कैन बी बेसिकली जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली इट इज देयर. तो जितनी भी गौशाला है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उनके टॉप पे जो है, एक तो जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी का होगा. एक तो ये डिसीजन उसमें है, तो उसमें मेरे को इसको मैंने स्टडी किया. एक सेकंड फिर क्या क्या फिर आपको बताते हैं, सो दैट यू कैन बी लिटिल इन्फॉर्म्ड एट दैट पार्ट ऑफ. और इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी के ऊपर कंपल्सरली सोलर पैनल रहेगी. हाँ जी, कंपल्सरली मतलब वो जो है सोलर पैनल विल बी रादर जो है ना, इट विल बी हैविंग इट्स ओन एनर्जी फुलफिलिंग सिस्टम. तो वो इथेनॉल भी बनाएगा, सीएनजी भी बनाएगा और सोलर का भी रहेगा. तो ये तीन चीजों से बेसिकली, क्योंकि हमें पूरे उसमें एक्वा कल्चर डेवलप करना है, राइट. और ये एक्वा कल्चर आज की सोच से भिन्न होगा, राइट. आज की सोच क्या है कि पानी को नीचे मत जाने दो, उसके नीचे प्लास्टिक की सीट लगा दो, राइट. हमारा जो है ना एक्वा कल्चर कह रहा है कि पानी अंदर जाने के लिए हम आपको बना रहे हैं, राइट. हम आपको चारों तरफ पेड़ लगा रहे हैं जिससे पर्कोलेशन स्पीड शुड बी हाईएस्ट पॉसिबल. वही यहाँ पर मूर्ख पॉलिटिशियंस जो है वो इसराइल को हमेशा मॉडल बनाते रहते हैं. तो इसराइल इज कैनॉट बी ट्रांसप्लांटेड इन हियर, वहां की सिचुएशन. यहाँ हम अपने वैदिक नॉलेज पे जाएं ना, हमारे वैदिक नॉलेज में तालाब खुदते थे उसी चीज की बात करें ना अपन. हाँ, तो और इंक्रोचमेंट में तालाब खत्म करते चलेगा सारे गांवों के तालाब. अरे तालाब की जरूरत नहीं होगी तो आप तो पूरे खत्म कर दो, क्योंकि हम तो पूरे पृथ्वी को तालाब बना देंगे ना. बेसिकली जब हर देख एक्चुअली में क्या प्लानिंग है कि सभी वाटर स्ट्रीम को जरूरत पड़ी तो और गहरा करेंगे, और वो भी सरकार के भरोसे नहीं, राइट. नंबर वन. नंबर टू, उसमें जगह जगह पे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट देर विल बी स्मॉल स्मॉल स्टॉप डैम्स, राइट. एंड उससे पाइप के माध्यम से जो ये एक्वा कल्चर रहेगा, इट विल बी कनेक्टेड, मतलब हर खेत का पॉन्ड दूसरे खेत से कनेक्टेड रहेगा. नहीं तो ये जो आप बता रहे हैं, हाँ, एक मैंने एक वर्किंग मॉडल ये बताया आपको जो पतंजलि झा का. ओके. दूसरा वर्किंग मॉडल है, एक व्यक्ति है नागपुर के पास. ओके. ही वॉज अ फिल्म प्रोड्यूसर, देन ही इज एन इंजीनियर. ओके. देन ही डिसाइडेड टू लीव एवरीथिंग एंड सेटल इन हिज विलेज एंड इनकरेज फार्मिंग विच इज सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग. ये उसने प्लान डेवलप किया और अपने गांव का वो सरपंच है नागपुर के पास, सियोनी डिस्ट्रिक्ट में वो फार्मर है. मतलब वो तो अपने मध्य प्रदेश में ही हो गया, तो वहां भी जाके विजिट करेंगे, क्या दिक्कत है. तो उसने डेवलप ये किया है कि किसी के भी पास 5 एकड़ जमीन है तो वो ही डजंट हैव टू लुक लेफ्ट राइट फॉर इकोनॉमिक सस्टेनेंस. वो बहुत अच्छा फार्मर, सेल्फ सफिशियंट है. तो उसने उसका एक मॉडल डेवलप किया है किस तरह से आप अपनी खेती, तालाब बनाइए तो तालाब की मिट्टी ऊपर माउंट पे जाएगी, तो माउंट पे कौन सी फार्मिंग करिए, तो फिर कैटल को कहाँ रखिए, उसका कहाँ पर गोबर मूत्र बह के जाएगा, तो कहाँ फर्टिलाइजर बढ़िया होगा, तो किस में क्या लगाइए, एंड द एंड रिजल्ट इज टेरिफिक बेसिकली. वो उससे पूरा मॉडल है उसका कि ये करिए तो दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट. हम एक काम क्यों ना करें, हम जो ये बातचीत कर रहे हैं हम इसको टीम पे करके वीडियो करें और इसको अपन अपलोड करें, जिससे देखिए मेरा एक सोच और भी बनी है. और बताऊं, उसने अपने पॉन्ड में सिंघाड़ा लगाया और सिंघाड़े की वो वाइन बनाने लगा. ओ ग्रेट. इसमें हमने देखो एल्गी और सिंघाड़ा का नाम विशेष तौर पे लिया है, तो फिशेज एल्गी सिंघाड़ा. एंड क्योंकि हमारा नॉलेज तो नहीं है, तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट जो लोग कर रहे हैं उनसे जो है ना अपन एक सूची बनाएंगे. सो अभी तो हमने जो दिमाग में एज ए लेमैन आया वो कह दिए, राइट. बट द लिस्ट विल नॉट बी एग्जिस्टिव लाइक दिस. वी विल लुक इन टू दैट जो है ना साइंस, वी विल लुक इन टू द एग्रीकल्चर साइंस, वी विल लुक इन टू दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और इस लिस्ट को बढ़ाएंगे, राइट. अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं इटली का लेके आऊंगा आपके पास, बताऊंगा जो मैंने 20 साल पहले स्टडी किया था. आज अच्छा शास्त्री जी, यदि आप फ्री हो तो आपकी कन्वीनियंस से हम जो है ना हम टीम की लिंक आपके साथ भेजते हैं और उस पर अपन बात करते हैं. देखिए, उस क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं वो मैं आपको बता दूं. वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी. नहीं, वो हमारा सिस्टम जो है ना, एक हमने प्रेसिडेंशियल ऑफिस खोल दिया है आज आप बल्कि उसका हम आज अभी जस्ट शेयर कर रहे हैं वो ओके. तो वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस उसको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के साथ हद से आ जाएगा. नाउ वी आर गोइंग वेरी अग्रेसिवली
वी आर सेइंग कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, और इसमें एक दो डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, दूसरा हम उसे जो है ना अवेयरनेस नहीं बांटेंगे, क्योंकि आप ज्ञान और अवेयरनेस में उस व्यक्ति को दे रहे हैं कि मे बी ए फ्लैट वेजन, फ्लैट वेजन तो इसे होल्ड ही नहीं कर पाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो बड़े महापात्र हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर ओवरफ्लोइंग विद द विजडम, उन्हें आपकी विजडम को, आपके ज्ञान को, आपकी सोच को अकोमोलेट करने के लिए जगह ही नहीं है। तो व्हाट वी थॉट के भैया ये दोनों चीजों को जो है ना हम करेंगे ही नहीं है, जो स्ट्रेटेजी, मतलब वी टेक ए प्लेज कि ना नॉलेज बांटेंगे ना जो है अवेयरनेस बांटेंगे, हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे एंड इट विल बी द वॉलंटियर्स ऑफ द क्राइम फ्री भारत, राइट, SCFB। तो CFB वॉलंटियर्स को ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अभी खुल गए थे, राइट, बहुत सारे, और वो सब खाली पड़े हुए हैं क्योंकि वो दुकानें थी, वो दुकानें बंद हो गई हैं। तो अब उन दुकानों को हम जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में कन्वर्ट करेंगे, वट एवर द एडिशनल कैपेसिटी दे आर हैविंग, राइट। और गांव के बच्चे को हम वहां स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इनके जो टूल इक्विपमेंट और मशीनरी है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इन वट एवर फॉर्म इज दे आर एक्जिस्टिंग, तो हम उसमें IoT डिवाइसेस और उसमें बाकी चीजें लगा के जो एक, क्योंकि देखिए एक वैल्यू सिस्टम में हमारे बहुत जोर से डिटोरिएशन हुआ है, जिस किसी पे भी आप भरोसा करो वो भरोसा तोड़ने के लिए और आपको धक्का मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है, राइट। अभी जो आप बोल रहे हैं इससे बिल्कुल एक अलग हट से, नाउ इसको सिंक्रोनाइज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी आपका सुझाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है जो कि मैनेजमेंट का कॉलेज है भोपाल में, प्राइवेट, तो कल वो मुझसे बोल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया है। अब वो सर्कुलर क्या कहता है, कुछ कहते हैं हमारे यहाँ BCom, MCom और मैनेजमेंट के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अब कहते हैं BCom के स्टूडेंट के पास ऑप्शन रखिए कि आपको कारपेंट्री सीखनी है कि इलेक्ट्रीशियन सीखना है, और वो कंपल्सरी करिए आप। वो ये कहता है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल की स्टेज तक आप स्किल डेवलपमेंट कराइए, उसके बाद बच्चा डिसाइड करेगा कि हमें हायर एजुकेशन की तरफ जाना है कि स्किल कोर्स। हम एकदम हम इसका जो है ना इसी चीज को अडॉप्ट कर, तो उसके लास्ट उसने ये कहा कि अब हमारे यहाँ 20 बच्चे हैं BCom में, चार कहते हैं हमें कारपेंट्री करनी है, दो कहते हैं हमें इलेक्ट्रीशियन का करना है, एक कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग करना, कहते हैं इनके ट्रेनर भी रखिए, उनको पेमेंट भी करिए। अब हम कहाँ से, यह इकोनॉमिकली नहीं है किसी भी तरह, और तीन दो बच्चे कह रहे हैं हमें कारपेंट्री सीखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसका एकदम उल्टा कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यदि आप गांव के प्रवेश में हैं तो आप शहर में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि हम गांव को ही शहर से ज्यादा सुविधाएं दे देंगे और फ्रेश वायु भी रहेगी, ट्रैफिक भी नहीं रहेगा, यू विल एंजॉय, राइट। नहीं तो इसमें मैं आपको इटली का एग्जांपल देता हूं जो मैंने 20 साल पहले देखा था। वहां क्या कंसेप्ट है, वो ये कहते हैं कि तहसील और ब्लॉक लेवल जो अपनी माना जाता है, अगर उस तरह के स्तर पर एक ढाबा है, एक होटल है, एक कुछ भी है, ठीक, तो वो ये कहते हैं कि आपको साल में एक बार अपनी यहाँ रंग कराना कंपलसरी है, आपको अपने पर्दे बदलना जरूरी है, और लकड़ी पे पेंट करना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ तो गरीबी है, तो आप कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स पे ही बिजनेस है वो कम से कम वो तो ये कंपलसरी। नहीं, हम इसका उल्टा करेंगे, हम इसका क्या करेंगे कि हमारा वॉलंटियर जाके ये जो हम कह रहे हैं ये सब कर देगा, राइट। और हमने इसमें हमने इसके लिए अकाउंट सेटलिंग का एक सिस्टम डेवलप किया है ना, तो 1 MSP को हम फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट एंड इनकमरेंस रख रहे हैं, तो जो हम उसके फील्ड में जो है ना ये सब खुद करेंगे, राइट। तो इससे एक तो हम जो है ना जॉब क्रिएट कर रहे हैं लोगों को, जो है ना राइट। तो वो एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा था कि जॉब प्लस इन्वेंट्री प्लस डिमांड फॉर मटेरियल और प्रोडक्शन, हम तो उसकी फाइनेंसिस की भी बात कर रहे हैं। आई एम सेइंग कि इसका फाइनेंस जो है ना हमारा अवेयरनेस मॉडल जो है ना वियर करेगा, राइट। अवेयरनेस मॉडल में हमने 3 तरीके के अकाउंट रखे हुए हैं, राइट। एक अकाउंट में जो है पैसा जो है वो जा रहा है 1 MSP फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट और इनकमरेंस, राइट। मतलब आपके खेत में सब कुछ हो रहा है और आपको जो है ना दहले भर का पैसा इस अकाउंट पे चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे हम वहां पे गाय ले जाएं, चाहे हम वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रखें, चाहे वहां सोलर पैनल लगें, चाहे हम वहां पे जो है ना एक्वा पॉन्ड खोदें, चाहे आपके पेड़ लगाएं, चाहे हम आपके पौधे लगाएं हो, चाहे जो है ना आपकी फसल बोएं, काटें, जो कुछ भी करें, आपको जो है ना हमने लेबर से भी इंडिपेंडेंट कर दिया है और आपको जो है ना कॉस्ट से भी इंडिपेंडेंट कर दिया, अकाउंट नंबर 1 में, राइट। दूसरा अकाउंट हमने रखा है जिसको हमने नाम दिया है 1 MSP+ अकाउंट, राइट। तो हमने ये कहा है कि एक्चुअली में आज जो है ना मिडिल मैन इतना पैसा बना रहे हैं कि उनके कारण जो है कंज्यूमर एंड पे 5 से 10 गुना महंगी चीजें मिलती हैं, राइट। हाँ,
ना एसेट के ओनर को मिल रहा है ना कंज्यूमर को मिल रहा है। अब क्या हो रहा है कि कंज्यूमर एंड पे 2 MSP से ऐसे 3 MSP के बीच में ही कॉस्ट चार्ज होगी डिपेंडिंग अपॉन हिज चॉइस के वेदर ही इज प्राइस सेंसिटिव और क्वालिटी सेंसिटिव राइट। सो ही विल डिसाइड 2 MSP से नीचे कोई चीज नहीं मिल रहा है ठीक है ना, मिलेगी ही नहीं क्योंकि बीच की कॉस्ट लोड नहीं हो रही ना उसमें, तो मतलब दैट इज द फाइनल। और उसके ऊपर जो है यदि आप हमारे बैलेट से खरीदेंगे तो 10% का डिस्काउंट है राइट। सो वी रिकमेंड कि आप अपने पैसे को बैलेट में कन्वर्ट करो हमारे, जैसे कि एयरटेल का बैलेट होता है, गूगल का बैलेट होता है, ऐसे ही CFB बैलेट होगा राइट। तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा उसमें राइट। इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है ही विल बी गेटिंग 1.8 जो है ना MSP टू 30 का तो 30 हो गया तो 2.7 MSP। इसका मतलब है कि वो यदि इस डिस्काउंट को अवेल करता है तो उसको हाईएस्ट द बेस्ट क्वालिटी जो इंडिया प्रोड्यूस करती है इंडिया में वो 2.7 MSP पे मिलेगी राइट। और उसकी पूरी चेन हम डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे जो है ना उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग होगी, और हमने प्रोड्यूसर एंड पर भी क्वालिटी ग्रेडिंग का सिस्टम रखा है और उसके लिए आपका स्किल डेवलपमेंट मॉडल को यूज करेंगे राइट। और कंज्यूमर एंड पे भी रखा है, तो यदि एक एंड पे कोई थोड़ी बदमाशी करते हैं, वैसे तो बदमाशी इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 MSP प्लस इज गोइंग इनटू द अनदर अकाउंट विच विल बी यूज्ड फॉर द सेटलिंग ऑफ कॉस्ट राइट। क्योंकि हम इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ऑन योर फार्म, क्योंकि इतने पूरे जो है ना भारतवर्ष में पूरी दुनिया में जो है ना पूरा जो है ना पृथ्वी में हर खेत में जो है ना एक एक्वा पॉन्ड होगा, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर करेंगे ऑन द फील्ड ऑफ दिस इट विल बी सेटल्ड अगेंस्ट द 1 MSP प्लस अकाउंट राइट। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को 1 MSP जिसकी जो उसकी हाईएस्ट सोच रहा है, और आज के दिन जो है ना उसमें वो कॉस्ट भी सब उसके ऊपर जा रही है, चाहे वो लेबर की हो, चाहे खाद की हो, चाहे सीड की हो, जबकि इस सब चीजों से उसे मुक्त कर दिया गया है। तो उसकी आज से जो आज उसकी अर्निंग जो मैं मुझे लगता है कि 100% से तो ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है ना, बल्कि 500% या 1000% बढ़ेगी मेरे ख्याल से ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि अभी तो जो है ना वो इतनी ज्यादा कॉस्ट है कि यदि उसकी फसल फेल कर जाती है तो वो सुसाइड करने के लिए बाध्य होना पड़ता है राइट। नंबर वन, अच्छा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत हाई होगी, इसका मतलब है 1 MSP प्लस वुड नॉट बी जनरेटिंग इनफ मनी टू फॉर सेटलिंग इट इन 1 ईयर। तो इट विल बी ए लॉन्ग सेटलिंग अकाउंट, क्योंकि ये लॉर्ड शिवा का गला है बेसिकली राइट। इट विल होल्ड दैट कॉस्ट इन हिज नेक, तो वो नीलकंठ है ये जो 1 MSP प्लस अकाउंट है। तो वी आर नॉट इन हरी, हमें ये जो है ना अकाउंट हम 50 साल तक सेटल करते रहेंगे राइट। मतलब दैट वी आर नॉट इन हरी अबाउट दैट। इसमें जो है 1 MSP प्लस अकाउंट में हम जो है ना 2-3 और जो है ना चीजें इसमें लेके आएंगे। एक तो जो है हर फार्मर को अपने ही इसमें जो है ना फील्ड मैनेजर बनने के लिए ये दिस कॉन्सेप्ट वी आर ब्रिंगिंग सो दैट वी कैन ब्रिंग दैट CFB कंप्लायंस इन इट राइट। क्योंकि यदि किसान नालायक है तो हम उसकी नालायकी के ऊपर आश्रित नहीं रह सकते हैं राइट। तो यदि उसकी विजडम उतनी नहीं है तो सम एक्सटर्नल CFB मैनेजर विल बी अपॉइंटेड राइट। और दैट CFB मैनेजर वुड बी गेटिंग ऑलमोस्ट 1 lakh rupees पर मंथ राइट। और यदि मान लो जो है ना चूंकि सबसे छोटे को हमने 10,000 पर मंथ का दिया है तो वो छोटे वालों को 10 को जोड़ देंगे तो उसका भी 1 lakh हो जाएगा राइट। सो ही विल बिकम द फील्ड मैनेजर फॉर द 10 fields राइट। इसमें जो है ना या तो ऑनर फील्ड मैनेजर होगा या जो है प्रोफेशनल जो है ना एग्रीकल्चर पीपल जो है जिनको हम स्पेशली ट्रेन करेंगे बिकॉज उसमें CFB कंप्लायंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स नथिंग मोर राइट। क्योंकि लेबर अलग आएगा, वो भी हमारा वर्कर होगा राइट। उसकी कॉस्ट भी 1 MSP अकाउंट में नहीं जा रही है, तो जोतने से लेके सीड पहुंचाने से लेके ऑर्गेनिक पहुंचाने से बल्कि देखा जाए तो हमने किसान की सभी समस्याओं को ले ली है राइट। अब हम जो है ना हमें बल्कि ये चिंता पालना पड़ेगी कि किसान के पास इतना पैसा पहुंच रहा है तो हाउ ही शुड रूटीन शुड बी देयर, सुबह वो कितने बजे उठेगा, योगा करेगा कि नहीं करेगा, स्पिरिचुअल इंटेक क्या होगा, एंटरटेनमेंट इंटेक क्या होगा। और उसको जो है हमारा एक CFB आयुष मॉडल हमने जनरेट किया है, तो उसमें जो है हम ये सब चीजें उसको परोसेंगे और हम इसको सरकार की आयुष मॉडल से जो है ना इंटीग्रेट कर देंगे।
तो उसको जो है ना हर साल एनुअल चेकअप होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। एंड हम उसको एक्सरसाइज और डाइटरी में भी हम जो है ना ऐसे स्पेसिफिक चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो कि उसको खाना चाहिए। तो आटा फॉर बीपी राइट, आटा फॉर डायबिटीज राइट, वेजिटेबल फॉर दिस, इस तरीके का फंडा लाएंगे जिससे कि आपको दवाई ना खाना पड़े, सिंपल चीजों खाने से ही आपका इलाज हो जाएगा राइट। अच्छा, और इसमें जो है यदि मान लो उसको कुछ ऑपरेशन की जरूरत है तो सीएफबी एम्बुलेंसेस रहेंगी। तो पहले तो जो है ना गांव के ही लोगों को ट्रेन करके दे विल बी द सीएफबी हेल्थ वॉलंटियर राइट। ये हेल्थ वॉलंटियर विल कैप्चर द हेल्थ स्टेटस क्योंकि एनुअल चेकअप भी उसका हो रहा है राइट। तो उसके अकाउंट में उसके पूरे इंडिविजुअल डिटेल्स होंगे राइट। इफ एनी टेस्ट इज टू बी डन ही विल कलेक्ट द सैंपल एंड गेट द टेस्ट डन ऑल्सो। जब टेस्टिंग हो जाएगी तब जो है ना डॉक्टर जो है थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विल बी ब्रॉट एंड दे विल बी द सीएफबी डॉक्टर्स बेसिकली राइट। और वो जो है ना दे विल बी इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स। तो उसी चीज को जो है ना अकेला एलोपैथी से नहीं जाएगा, वो नेचुरोपैथी के पास भी जाए लेकर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएगा राइट। एंड देन इंटीग्रेटेड पैथी विल वर्क ऑन दैट। तो वो यदि एलोपैथी दवा भी खा रहा है तो एलोपैथी दवा का जो काउंटर इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ही माइट बी यूजिंग नेचुरोपैथी, ही माइट बी यूजिंग आयुर्वेदा, ही माइट बी यूजिंग दादी के नुस्खे ऑल्सो राइट। एंड देर विल बी इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स जिनके पास जो है ना सभी लोगों का जो प्रिस्क्रिप्शन जाएगा और वो फाइनल वेटिंग करके वो अप्रूव करेगा उसे राइट। एंड जो है ना ये दवाइयां जो है दे विल बी क्योंकि शॉपकीपर्स वगैरह सब वो रहेंगे तो किसी एक शॉपकीपर को हम मेडिकल सीएफबी मेडल मेडिकल शॉप डिक्लेयर कर देंगे राइट। उससे ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। तो वो सब दवाएं सब जगह अवेलेबल होंगी मतलब वो और उसकी कॉस्ट भी जो है ना हम उस पर नहीं रखेंगे दैट इज अवर प्लान राइट जी। तो इस तरीके का एक फुल इकोसिस्टम क्योंकि पार्ट इकोसिस्टम में वो बाकी चीजों के लिए कहां भटके। अच्छा, हमारे जो भी साइंटिस्ट से लेके हर कोई जो काम कर रहे हैं वो कोई पार्ट सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एंड पार्ट सॉल्यूशंस दे क्रिएट द प्रॉब्लम एल्सवेयर, समटाइम दे क्रिएट मल्टीपल प्रॉब्लम्स आल्सो। तो हम यहां पर जो है ना पार्ट सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग होलिस्टिक सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन से यदि कोई प्रॉब्लम इमर्ज होगी तो दैट विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी। तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस फुल इकोसिस्टम जिसमें हमारी एक सोच ये भी है कि जो डी कंपनी और जो इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस जो हमारी वैल्यू सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं राइट। चाहे वो जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल से या आप हम तो बहुत अपने आप को दुखी महसूस करते हैं कि हमें किसी सीरियल में डिवाउच करेक्टर, इलिसिट रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, डिवोर्स, इन सब चीजों और षड्यंत्र, इन सब चीजों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं तो इन सबको तो जो एंटरटेनमेंट और ओटीपीज हैं ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्टेबिलिटी दे रहे हैं। करेक्ट, मेरा यही कहना है बाय मिक्सिंग इट विद द ड्रीम क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए मेरा आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली दैट इज माय थिंकिंग। मेरी थिंकिंग इसमें क्या है, या तो उन्हें बाहर से डी कंपनीज और इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस से पैसा मिल रहा है, दैट्स व्हाई दे आर अप्लाइंग विद देयर ऑर्डर, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, जिसके पास नहीं है ये सब उसके लिए तो ये प्रलोभन है ना कि हवाई जहाज में उड़ना, फाइव स्टार में ठहरना, स्विमिंग पूल देखना और ये करना और वो करना, बड़ी गाड़ियों में चलना। आप चिंता मत करो, ये जो है ना सीएफबी उनको परोसेगा, सीएफबी उनको गांव के लोगों को विदेश यात्रा भी कराएगा। मतलब हम उनको जो है ना फाइव स्टार होटल में भी ठहराएंगे, हम आपकी जो है ना इन सेटिएटेड जो डिमांड को पूरा करेंगे क्योंकि हमने तो जो है ना कॉस्ट और करेंसी से जो है ना मुक्त पा लिया। आई एम नॉट एवर्स टू दिस, मैं ये कह रहा हूँ ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो विलेनी है समाज में, उसको जो एंटरटेनमेंट चैनल वो बना देता है तो नहीं माइंड मेरा ये, मैं उनके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मुझे उसमें दो कारण समझ में आ रहे थे। एक कारण मुझे समझ में ये आ रहा था कि उनको पैसा मिल रहा है राइट, और दूसरा कारण मुझे समझ में आ रहा था कि वो खुद डिवाउच करेक्टर के हैं एंड दे आर राइटिंग टू जस्टिफाई देयर ओन करेक्टर।
जैसे कि जो है ना अभी जो हॉलीवुड में रेडवेड हुई जिसमें कि सब ड्रग रग पकड़े गया है, तो ये हमारे बॉलीवुड हीरोज का यही करेक्टर है। नहीं तो मैं आपको एक वीडियो भेजूं, मैंने कल रिकॉर्ड किया है और उसमें मैंने यही बात बोली है कि मैंने रिकमेंड किया था कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, और फिर हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था कि इसको बैन करो। आपके जितने भी ऐसे वीडियोज हैं वो मुझे भेजिए, मैं उनको सबको क्राइम फ्री भारत पे चढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा कोई पूछे कि साहब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने कहा क्योंकि वो जो फिल्म थी वो डिग्रेड कर रही थी हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस को, तो हियर द लोकल स्टैंडर्ड टू इंटरव्यू, और ओपी रावत ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं ना, ये एजेंडा बहुत भारी है और इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस, इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस लगे हुए हैं। देखो मैं एक बहुत पुरानी बात शेयर करता हूँ, जब मैं एडिशनल डायरेक्टर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर था, राइट, तो मैंने वहां पे बड़ा मॉड्यूलर ट्रेनिंग, हालांकि मैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था, बट उसमें हमने बहुत चेंजेज वहां किए थे एंड वी ब्रॉट सम काइंड ऑफ द मॉड्यूलर सिलेबस दिस दैट, और उसमें हम नेशनल लेवल के जो है ना स्पीकर्स को बुलाना चालू कर दिए थे, राइट। तो एक सीबीआई के जो है ना डीआईजी थे, वो जो है ना हमने उनको एक ही वजह बंगाली जेंटलमैन, हम जानबूझ के नाम वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने लेक्चर दिया एंड रात को हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब सी कहानी मुझे सुनाई और वो कहानी जो है ना अब तो और भी रिलेवेंट है। तो उन्होंने कहा गुप्ता जी जो है हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छा जो है ना ही वाज ए साहित्यकार एंड ही वाज ए प्रोलिफिक राइटर्स, क्या उसके उसकी कलम में जादू था। बोले टू माई सरप्राइज ही स्टार्टेड राइटिंग फोनोग्राफिक मटेरियल। अच्छा, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, तो जब मुझे बोले मिला तो मैंने उसको बोले मित्रों का उसको यूज करते हुए मैंने माँ बहन को छोड़ के बाकी जितनी भी गालियां हो सकती हैं उसको शुद्धता से सुनाई मैंने, ठीक है ना। मैं वो भी ना छोड़ता। तो वो जो है ना जब उसकी भड़ास निकल गई तो उसने कहा अब तेरी भड़ास निकल गई तो मैं कुछ कहूँ, तो उन्होंने कहा बोल। तो उन्होंने कहा कि देखिए तू सही कह रहा है जो तू कह रहा है, लेकिन मुझे पोर्नोग्राफिक मटेरियल लिखने के लिए अमेरिका से बहुत पैसा मिल रहा है, एंड दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। अब हमको इसको इस ढंग से देखने की कोशिश करें कि 2000 में अमेरिका के कुछ फोर्सेस इस बात में इंटरेस्टेड थे कि आपके युवा को स्पॉइल कर दिया जाए, आपके वैल्यू सिस्टम को स्पॉइल कर दिया जाए, और उसके लिए वो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का यूज कर रहे थे और एस्टैब्लिश्ड इंटेलेक्चुअल्स का यूज कर रहे थे एंड दे वर इन्फ्यूजिंग मनी। तो वो कौन फोर्सेस थे? मेरे ख्याल से अब वो फोर्सेस और भी प्रॉपरली नेटवर्क्ड हो गए हैं और उन्होंने और बेटर सिस्टम जो है ना एनजीओ के फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में कर लिया है एंड दे आर डिक्टेटिंग कि इंडिया को कैसे ब्रेक किया जाए। और ये सारा सिस्टम कंटिन्यूअसली चल रहा है, मतलब आप गौर करिए कि अगर आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी बुलाएगी एक लेक्चर देने के लिए तो वो कहेगी कि एक दिन का लेक्चर का कितना देना चाहिए, ठीक है हम आपको समथिंग इक्विवेलेंट टू 5,000-15,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है। और अगर वो रोमिला थापर को बुलाएंगे तो उनको वो 5,00,000 रुपए दे देंगे उसी लेक्चर का। वो क्यों करेंगे? सिर्फ सिंपल है कि उनको लार्जर देन लाइफ बना दो, फिर उनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपवा देंगे, तो वो लार्जर देन लाइफ, फिर वो कम्युनिस्ट एजेंडा लाएंगे और इंडिया की पूरी जो इथॉस है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है उसको तोड़ के रख देंगे, उसको तोड़ के। ये चल रहा है बहुत लंबे समय से, क्योंकि रोमिला थापर का नाम इसलिए लिया क्योंकि सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज में था, वो हमारी चेयरमैन। इनको इनको तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको एक्सपोज करना चाहिए, इन्होंने जितना भी कुछ लिखा है उसको रिसर्च करके इनको जो है ना इनको बुलाया जाए और इनको कॉन्ट्रेडिक्ट कहा जाए कि मैडम ये आपने क्या लिखा है, आपको कितने पैसे मिले इसके लिए, एंड एक पीछे जो है ना एनआईए को लगा दिया जाए जिससे कि इनके अकाउंट के वेरिफिकेशन कर ले पैसे आ कहां से रहे हैं। जब मैं भोपाल में मैंने जर्नलिज्म शुरू किया किताब लिखने के बाद, तो एक छोटे से अखबार में एमपी क्रॉनिकल से शुरू किया जर्नलिज्म मैंने, तो जब मैं एमपी क्रॉनिकल में आई वॉज इंचार्ज ऑफ न्यूज, मैं अपनी डेस्क पे था, जो यूनियन कार्बाइड के डिजास्टर के बाद जो उनके प्रमुख थे, जो शामला हिल हेडक्वार्टर के बॉस थे, वो मेरे पास मेरे दफ्तर में आके मेरे सामने बैठे और मेरे से उन्होंने कहा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। एकदम से पूछा आपको यहाँ सैलरी क्या मिलती है? मैंने कहा मुझे 1100 रुपए महीने मिलते हैं तनख्वाह। तो उन्होंने मेरे से कहा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आपको कभी नहीं कहेंगे क्या आप लिखिए क्या मत लिखिए, आपको जो लिखना है लिखते रहिए 365 दिन। हम आपको बीच बीच में मे बी अ वन लाइनर हम आपको देंगे, उसको आप अपनी अगर गैस डिजास्टर पे कोई लिख रहे हैं कुछ जो लिखना है लिखिए, उसमें वो लाइन ऐड कर दीजिए एंड वी विल पे यू 10,000 रुपीज अ मंथ। देखिए
मैंने उनको हाथ जोड़ा, नमस्ते किया। अब 86 की बात है, 86 में वो मुझे, जब मेरी तनख्वाह 1100 रुपए महीने थी, वो उससे 10 टाइम देना चाह रहे थे वो, और वो भी तैयार, और वो भी बिना किसी उसके, मतलब देखा जाए। एक चीज और, अब आप कहेंगे अच्छा ये तो हो गया, वो कह के चला गया, अब आप हमें सुना रहे हो व्हाट इज योर एविडेंस कैसा हुआ था। तो मैंने तत्काल वो पूरा स्टेटमेंट, आज ये व्यक्ति मुझसे मिला, इसने मुझे ये ऑफर किया, एक अपनी हैंडराइटिंग में लिख करके इंटेलिजेंस ब्यूरो से भोपाल हेड को दे दिया था जाके। अच्छा, उसकी कॉपी अवेलेबल है क्या? नहीं, वो कॉपी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर हाँ मैंने उस साल उस महीने में दिया था, इतना मेरे पास रिकॉर्ड है, मतलब माय वर्ड अगेंस्ट एवरीथिंग। नहीं तो वो आईबी विल नॉट जो है ना गिव दैट फ्रॉम देयर, दे विल नॉट बी हैविंग, दे विल नॉट शेयर इवन। नहीं, इट मे बी अवेलेबल समवेयर इन फोल्डर, इट मे बी अवेलेबल समवेयर, क्योंकि ये रिकॉर्ड बहुत अहम है। अगर यूनियन कार्बाइड भोपाल की आईबी के पास कोई फाइल होगी तो उसमें उस साल में वो कागज होगा। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू, और मैं बताऊं मैंने किसको दिया था, मतलब उस समय एनसी पाड़ी वॉज हेडिंग, मैंने उनको ले आके उनके दफ्तर में दिया था, उन्होंने पाड़ी साहब से तो बात की जा सकती है मेरे ख्याल से। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इतना ऐतिहासिक तथ्य है ये, ऐतिहासिक। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बोलता हूँ, आई डोंट कुक अप, आई डोंट क्रिएट, मतलब एग्जैक्टली। अच्छा ललित जी, अब मैं आपसे दो तीन जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो आपने ऑलरेडी कर दिया बिना कहे, राइट, आपने एक दो लोगों के नाम दे दिए, और आई विल बी अप्रिसिएट कि जो है ना हाँ, मैं उनसे आज ही बात करूंगा और आपको नंबर फॉरवर्ड करूंगा बात करने के बाद, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये चाहूंगा कि जो अपने बातचीत की है, इस बातचीत को मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ टू पुट इट ऑन क्राइम फ्री भारत। ओके, राइट, दिस इज, आई होप इट इज हैविंग योर परमिशन। ओके, हाँ ओके, राइट, ओके, डन, बिकॉज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज विद गुड इंटेंशंस। हाँ हाँ, एंड वी आर टॉकिंग एब्सोल्युटली लीगल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, एंड वी आर क्रिएटिंग सॉल्यूशन। बस इसमें वो इंटेलिजेंस वाला, क्योंकि आई ओ माय सिंसेरिटी टू इंटेलिजेंस, वो वाली बात जो है जो आईबी की। हाँ, मेरे ख्याल से जाने दीजिए, इतने पुराने 20 साल के बाद तो वो भी जो है ना रिकॉर्ड ओपन होना चाहिए। आप ना पार्टी, पार्टी, पार्टी कहेंगे मेरा नाम भी डिस्क्लोज कर दिया। चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका में क्या नियम है कि चाहे कितना भी उल्टा सीधा काम जो है ना, साल बाद, सो मेनी इयर्स, इट्स बीन 30 इयर्स नाउ, सो इट इज नाउ इट नॉट ए क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, इट्स मोर देन 30 इयर्स नाउ। मैं वही कह रहा हूँ, इट इज नॉट ए क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, इट हैड बीन क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम, और चूंकि आपने ओपन फोरम में विद इंटेंशन टू एक्शन के लिए दिया था, तो देखा जाए तो इवन एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम ऑल्सो इट वॉज नॉट ए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज मेंट विद द इंटेंशन दैट द अमेरिकन्स शुड बी एक्सपोज्ड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अमेरिकन शुड बी एक्सपोज का मतलब है, मैंने एक अमेरिका के बहुत बड़े प्रोड्यूसर who was earlier with the CNN and chief correspondent, Gary Stryker. Gary Stryker के साथ मिल करके हमने एक documentary बनाई, okay. where I shot the documentary, I did the research, I did the script, and so the video footage, the script, and the shooting log, I sent it to him, and he produced the film on it, and he did the dubbing, sound, voiceover. It went on yahoo.com, from his organization, which is called Assignment Earth. And after 15 days, it was removed from there, and the whole project has been killed because I had blasted America for the perpetuating the disaster in Bhopal. Oh. Matlab iska matlab hai ki dekho, India working forces were so strong. They were controlling these media and things like that. So I mean, basically... एंड याहू वगैरह उसमें तो देवर इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज, तो उनको कायदे से इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए था, लेकिन देवर स्टिल गवर्न बाय दीज फोर्सेस बेसिकली। तो इट इज ए गुड इंडिकेशन जो आज के जो है ना ब्यूरोक्रेसी को, आज की गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि इन सब चीजों को, लूप्स को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और जो इंडिया वर्किंग फोर्सेस हैं उनको अब एनआईए जैसी संगठन अपने पास अवेलेबल है, तो उसकी वो जड़ में जाके, और यदि उनको ना समझ में आ रहा हो कि कैसे किया जाए, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं कैसे करना चाहिए। विद माय नॉलेज बेस आई विल शेयर वन स्मॉल इन्फॉर्मेशन बिफोर आई क्लोज ऑन दिस। गैस डिजास्टर पे आया सडनली, नाउ इन द ईयर 1985-86 द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ऑन द स्लाई दे पास्ड ऑन लॉट ऑफ फंड्स टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर कैरिंग ऑन रिलीफ इन भोपाल, एंड द पर्पज वॉज compare the two,
relief work being done by money sent by Union Carbide and relief work by being done by the government. Okay. So what they eventually did was they used the most powerful media to blast the government and to praise everybody who was using the carbide money to do this in the relief in Bhopal. So uska example hai, they had given money to the American Red Cross. Mm-hmm. So the American Red Cross money came to the Indian Red Cross. Mm-hmm. So they had sent the CNN, the CBS team, CBS mm-hmm. ka 60-minute show banaya. Mm-hmm. और उनका एक लीड करस्पॉन्डेंट था एड ब्रैडली. mm-hmm. उसने 87 में आकर के डॉक्यूमेंट्री बनाई. उसमें ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ वन दे प्रेज द रेड क्रॉस वर्क बट दे कंडेम द गवर्नमेंट वर्क. दीज टू कोऑर्डिनेट्स डू नॉट एस्टैब्लिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ही ऑल्सो प्रेज अ वुमन भोपाल की रेजिडेंट. हर नेम इज इंदिरा आयंगर. शी हैड रिसीव्ड मनी फ्रॉम द एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी. Money okay. given by the Union Carbide Corporation. Okay. So this guy came to Bhopal and in his 60-minute show, mm-hmm. condemned the government work, praised the Red Cross work, but also praised the Indira Iyengar work. Whereas oh. the CBI had slapped a criminal case against her and she was also prosecuted and convicted for oh. receiving funds from abroad without Government of India permission. Oh. So on the whole, even CBS 60 Minutes was playing to the American authorities' tune, mm-hmm. and to serve the carbide interest, the American interest, and blast the Indian interest. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. Okay. Okay. Great. 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 तो अपन एक काम और करते हैं कि you can conduct अपन एक जो है ना we can एक हम लिंक भेज देंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज करते हैं क्या? माइक्रोसॉफ्ट टीम का जानता हूँ मैं नहीं करता पर ये करती हूँ. मैं भेजूंगा तो आप उसको जो है ना आई मीन अरे नहीं है तो आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए. बिकॉज नाउ आई एम प्रेफरिंग दैट माइक्रोसॉफ्ट टीम ओवर अदर सॉफ्टवेयर राइट नंबर वन. और दूसरी बात जो है ना आप अपने ट्विटर न्यूज चैनल में भी हमारा इंटरव्यू हमको ग्रिल कर सकते हैं ऑन अवर वेरियस इनिशिएटिव एंड दैट इज जस्ट टू रीच आउट दैट पब्लिक को पहुंचे. एंड इसमें पूरा मॉडल है कि हाउ वी विल बी रीचिंग आउट टू द पब्लिक हाउ वी विल बी रीचिंग आउट टू द शॉपकीपर्स हाउ विल बी मतलब इट इज अ फुल फ्लेज मॉडल मतलब रेडी टू बी इम्प्लीमेंटेड काइंड ऑफ मॉडल. बस मुझे इतना ही है वर्ड ऑफ कॉशन बट योर एफर्ट्स विल पे इफ यू आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड एंड आई हैव नो रीजन टू डाउट इट बिकॉज जिस तरह से न्यू फार्म लॉज को अड़हतिया उछल रहे हैं सो देर विल बी लॉट ऑफ दीज मिडलमैन फोर्सेस दे विल ट्राई टू पुट अप अ ब्लॉकेट. बट आई एम देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम आइडियाज को ओपन में फ्लोट कर रहे हैं. हाँ. तो somebody may copy and come out with the things. हाँ. So it will be helping me to create a ecosystem, right? तो कुछ उनकी मदद मिल जाएगी तो अच्छा ही है ना. मैं जो है ना उसमें मोनोपोली थोड़ी करना है. तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहें. द पर्सन यू आर स्पीकिंग